यानी कि हमें ना अभी काफी ज्यादा बड़ी जमीन मिल चुकी है अपना बेस बनाने के लिए। और यहाँ पर ना लेस्टर ने कहा था कि उसने कुछ गाड़ियों का इंतजाम करवा लिया, तो यहाँ पर एक कार ये है, दूसरी यहाँ पर लीमो है और तीसरी यहाँ पर नॉर्मल सी कार है। फिलहाल ट्रेवर और फ्रैंकलिन भी आते होंगे, वो लोग थोड़ा सा पीछे रह गए हैं। तो कहीं सर देखो सामने की तरफ में आपको और भी गाड़ियां और भी बाइक्स नजर आ रही होगी जिसका इसने इंतजाम करवा रखा है यहाँ पर, ताकि अगर कोई पुलिस वुलिस आए तो हमें भागने में कोई भी दिक्कत ना आए। वैसे अभी हम लोग ना फिलहाल बेसमेंट में रहने वाले हैं तो पुलिस वालों को मालूम भी नहीं पड़ेगा। बाकी तो यहाँ पर काफी ज्यादा बड़े बड़े कार्स है, थोड़ी बहुत एटीवी है और साथ में नॉर्मली बाइक्स भी है, जो कि बहुत ज्यादा मेरे को सही लग रही है। और मेरे हिसाब से अब तक ट्रैवर वगैरह आ जाने चाहिए थे, क्योंकि ट्रैवर की तो हयाबूसा थी, वो तो बहुत जल्दी पहुंच जाता। बाकी यहाँ पर यार दो दो हेलीकॉप्टर अगर भाग रहा हो तो एक इसलिए कि अगर कोई और बंदा ले जाए और दूसरा इमरजेंसी के लिए, वो हम तभी ले जाएंगे जब पुलिस वगैरह पीछे पड़ेगी। और बाकी आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हो ट्रैक्टर है, और बाकी ना इसका बहुत बड़ा फार्म है मार्टिन मद्रासो का। अभी जो बाकी जमीन है ना उसका हमने कोई भी यूज नहीं करा, यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हो पिग वगैरह है, सारे मार्टिन मद्रासो के हमारे नहीं है। और मार्टिन मद्रासो को ना इसी चीज का बिजनेस था। तो चलो गाइस अभी ना फिलहाल थोड़ा बहुत वेट करने के बाद यहाँ पर ट्रैवल और फ्रैंकलिन भी आ चुके हैं, तो अभी ना जल्दी से हम लोग मार्टिन मद्रासो के घर के अंदर चलते हैं, क्योंकि जो पीछे का एरिया था ना वो तो फिलहाल मैंने पूरा का पूरा एक्सप्लोर कर लिया है और आप लोग को भी मालूम पड़ ही गया होगा कि आखिरकार कितना बड़ा घर है मार्टिन मद्रासो का। तो अभी ना जल्दी से हम लोग यहाँ पर घर के अंदर चलते हैं। बाकी यहाँ पर काफी सारी बाइक्स वगैरह सब कुछ है, तो अभी देखते हैं आखिरकार लेसन ने कहाँ से एंट्रेंस बनाई है उस वाली जगह की। बाकी यार लेसन कह तो रहा है कि बहुत ज्यादा बढ़िया है, अगर देखो वो तो अंदर जाकर ही हमें मालूम पड़ने वाला है। तो गाइस जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हो भाई मार्टिन मद्रासो के घर में ना चारों तरफ इतनी ज्यादा डेकोरेशन हो रही है ना भाई पूछो मत। अभी ना मैं आपको सामने की तरफ में चलकर दिखाता हूँ। यार ये देखो यहाँ पर ये वाली जो अलमीरा है, इस पूरी पूरी अलमीरा में से वैसल ही वैसल रखे हुए जो कि काफी ज्यादा महंगे होंगे मेरे हिसाब से, और हर जगह पेंटिंग पोस्टर्स भाई बहुत ज्यादा है। और मेरे हिसाब से अगर ये बिकेंगे ना तो हमें बहुत ज्यादा पैसा मिल सकता है इन सब चीज का। अभी ना फिलहाल यहाँ पर देखो किचन में भी कितनी ज्यादा बढ़िया बढ़िया यहाँ पर मतलब की छोटे छोटे डॉल्स वगैरह रखी हुई है, और भी बहुत कुछ है, छोटा सा जैगुआर की मूर्ति है। अभी ना थोड़ा सा अंदर चलता हूँ, फिलहाल ये तो बाथरूम आ गया। और गाइस यार ये वाला रूम किस चीज का, सेकंड वाला रूम, अच्छा ये तो यार बेडरूम है मार्टिन मद्रासो का। बाकी यार ये बेडरूम अब अपना हो चुका, सब कुछ अपना हो चुका भाई, कुछ भी मार्टिन मद्रासो का नहीं बचा। तो गाइस यार ये जो गेट आप लोग सामने की तरफ में देख पा रहे हो ना, इसी गेट के थ्रू हम लोग जाने वाले अपने सीक्रेट बेस के अंदर। फिलहाल वहां पर जाने से पहले ना एक बार मैं ये वाला रूम चेक कर लेता हूँ। ये तो फिलहाल एक छोटा सा ऑफिस है, तो यहाँ पर अपना कोई भी काम नहीं, क्योंकि हम तीनों लोग नीचे छुप कर रहने वाले हैं। और अभी ना फिलहाल वो जगह शायद से पूरी खाली है, वहां पर वेपन्स वगैरह धरवाने हैं। तो बिना जल्दी से बिना किसी देरी के चलते सीधा सीक्रेट बेस के अंदर। तो गाइस यार जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हो, अभी ना फिलहाल मैं आ चुका हूँ सीधा सीक्रेट बेस के अंदर, सीक्रेट गेट से। तो बिना जल्दी से बिना किसी देरी के मैं यहाँ पर आगे चलता हूँ, थोड़ा बहुत एक्सप्लोर कर लेते हैं। फिलहाल लेस्टर ने बोला था ना ये सेम टू सेम वैसा का वैसा ही बनवाने वाला है जैसा कि बिग माफिया के बेटे के पास था। तो बिना जल्दी से मैं यहाँ पर थोड़ा सा आगे चलता हूँ। बाकी तो यार आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हो अभी कुछ भी सामान नहीं है, पूरी की पूरी जगह यहाँ पर खाली पड़ी है। यहाँ पर ना हम लोग अपने वेपन्स वगैरह सब कुछ लाकर धरने वाले हैं, और जितना भी सारा सीक्रेट सामान होगा पुलिस से छुपाने के मतलब का वो सारा का सारा यहाँ पर आएगा, अपना सारा का सारा पैसा यहाँ पर आएगा, सब कुछ यार हम लोग यहीं पर ला कर रखने वाले हैं। अभी ना मैं थोड़ा सा और आगे चलकर देखता हूँ, यहाँ पर जो जगह है ना भाई पूरी की पूरी खाली पड़ी है। फिलहाल अभी ना इधर भी काम होने वाला है, काफी सारे पत्थर टूट के जगह बन चुके, पाइप वाइप सब सेट हो रही है, लेकिन गाइस अभी ना काफी सारा काम बचा हुआ है। जैसे कि इधर के पत्थर भी सारे के सारे टूटने हैं, मतलब पूरा एकदम वैसे बना देंगे जैसा बिग माफिया के बेटे के पास था। तो अभी ना जल्दी से अपना थोड़ा सा आगे चलता हूँ, और अंदर की तरफ में ना कुछ कुछ मशीन आ गया है, बट यार जो भी वेपन्स थे ना वो अभी नहीं आया है। तो वो जो एरिया है जहाँ पर हम लोग अपने वेपन्स रखने वाले और जहाँ पर हम लोग अपनी सीक्रेट गाड़ियां खड़ी करेंगे वो सारी की सारी ये जगह है। तो अभी ना आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हो कितनी ज्यादा मस्त लग रही है, और आप लोग भी सोच रहे हो कि हम लोग अपनी गाड़ियां बाहर कहाँ से निकालेंगे, वो चिंदी से गेट से, नहीं भाई वहां से गाड़ियां नहीं बाहर निकलेगी, सब कुछ अभी बनेगा, बस आप लोग यहाँ पर देखते जाओ। तो गाइस अभी ना फिलहाल बीच रास्ते में ना मैंने लेस्टर से लॉस गैंग के बारे में बात करी थी कि उनका क्या करना है, उनकी वजह से कल मैं रेस हार चुका हूँ। तो लेस्टर कह रहे हैं कि लॉस गैंग को ना हमें ठिकाने लगाना पड़ेगा, और उसको ठिकाने लगाने का ना लेस्टर के पास एक बहुत ज्यादा तगड़ा प्लान है। तो उस प्लान के लिए ना हमें कुछ नहीं करना, लॉस गैंग के बंदे हैं जितने भी बंदे हैं सबको बस मारते जाना है, जहां भी दिखे मार रहे हैं, ताकि वो लोग ना हमसे डरना शुरू करें, हमें देखते ही भागे। अगर उनके अंदर हमारे लिए डर नहीं होगा ना तो बस सीधी सी बात है वो हम तीनों में से कभी ना कभी एक ना एक को तो खत्म कर ही देंगे, हम तीनों में से ही, हम चारों में से, क्योंकि लेस्टर भी अब उनका टारगेट बन चुका है। तो चलो कोई दिक्कत की बात नहीं, अभी ना जल्दी से यहाँ से बाहर निकलते हैं, फिर लेस्टर से ना उस प्लान के बारे में बता करते हैं कि आखिरकार क्या सीन है और हमें लॉस गैंग से बचने के लिए क्या करना है। तो गाइस अभी ना फिलहाल यहाँ पर मैं सीक्रेट बेस से बाहर आ चुका हूँ, और लेस्टर फ्रैंकलिन जो है इस वाले रूम के अंदर चले गए हैं। ये लोग अपना ना वेपन लिस्ट तो बना रहे हैं कि कौन कौन से वेपन लेकर आने चाहिए अपने सीक्रेट बेस के लिए। तो गाइस अभी ना फिलहाल यहाँ पर लेस्टर और फ्रैंकलिन वेपन्स की लिस्ट बना रहे हैं कि हमें कौन कौन से वेपन्स लाने चाहिए अपने सीक्रेट बेस के लिए। और गाइस अभी ना मैंने लेस्टर से लॉस गैंग को लेकर भी बात कर ली, उस गैंग का आखिरकार करना क्या है। तो लेस्टर ये कह रहा है कि बिग माफिया के बेटे के मरने के बाद वो गैंग शांत हो जानी चाहिए थी, लेकिन गाइस अभी भी उस गैंग में बहुत ज्यादा चौड़ा है, यानी कि कोई ना कोई बड़े गैंगस्टर का उनके ऊपर हाथ जरूर है, तभी वो इतने ज्यादा फैल के हमारे से पंगा लेने आ रहे हैं। तो अभी ना लेस्टर कह रहा है कि तुम एक काम करो, जाओ लॉस गैंग का कोई भी बंदा दिखता है सीधा मारना शुरू कर दो, उनके अंदर ना डर बैठाना है कि जो भी हमारे आगे दिख
दिखेगा वो सीधा खत्म हो जाएगा ताकि लॉस गैंग हमसे डरने लग जाए। तो अभी ना फिलहाल यहाँ पर ट्रेवर अंदर ही रह गया, कुछ बात कर रहा है, ट्रेवर का वेट करते हैं। मेरे को समझ नहीं आ रहा कि यार अभी आखिरकार हमें लॉस गैंग के साथ करना क्या चाहिए। फिलहाल देखते हैं ये लोग कौन कौन से वेपन्स लेकर आते हैं। मेरे हिसाब से तो भाई M416 ले आओ दबा के, वही ज्यादा बढ़िया रहेगी। बाकी ये कि ग्रेनेड लॉन्चर वगैरह भी ना ये सब हम यूज नहीं करते, बट ये ना काफी ज्यादा काम के वेपन्स है। तो अभी ना यार बिना किसी देरी के हम लोग अपनी गाड़ी लेकर यहाँ से निकल लेते हैं। बाकी यार अपनी जो डीवो है ना ये बहुत ज्यादा गंदी भी होगी और इसको अभी बैनिक से थोड़ा बहुत मॉडिफाई भी करवाना है। बाकी जो कार है ना मेरे को लगता है इसके अंदर अभी मॉडिफिकेशन करवाने लायक कुछ बचा है। तो चलो गाइस अभी ना फटाफट से बिना किसी देरी के मैं अपनी गाड़ी को लेकर यहाँ से निकल लेता हूँ सीधा डायमंड कैसीनो के लिए। और गाइस यार जाते ही ना मैं सीधा लॉस गैंग के बंदों को मारना शुरू कर दूंगा, क्योंकि यार उनके अंदर ना कुछ ज्यादा ही आजकल हिम्मत आ गई है। और उनसे पूछूंगा कि भाई ऐसा कौन सा बंदा है जिस बंदे की वजह से तुम लोग इतनी ज्यादा चोड़ में लॉस सैंटोस में घूम रहे हो। भाई इतना ज्यादा मारा उनको फिर भी वो लोग हमसे डर नहीं रहे, तो कुछ भी करके ना हमें लॉस गैंग के बंदों के अंदर डर बैठाना है। और गाइस अभी तक ना हमारी जितनी भी गैंग से फाइट हुई है ना भाई सारी गैंग से ना एक बार पिटने के बाद दोबारा कभी फालतू नहीं बोलती। लेकिन गाइस ये जो लॉस गैंग है ना भाई हमसे इतनी बार पिट चुकी है फिर भी इनके अंदर की जो हिम्मत है ना वो खत्म नहीं हो रही। तो गाइस अभी जब भी मेरे को लॉस गैंग के बंदे दिखेंगे ना इनको बेमतलब मारूंगा और बहुत ज्यादा मारूंगा ताकि सारे के सारे लॉस गैंग के बंदे ना हमसे डरने लग जाए। फिलहाल डरते तो ये लोग अभी भी हैं, तो यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हो इतने सारे बंदे खड़े हुए हैं। तो भैया जल्दी से यहाँ पर मैं अपनी गाड़ी को खड़े करता हूँ और यहाँ पर इनसे भी बात करता हूँ। देखता हूँ चारों को भगाऊंगा, इधर आओ फटाफट से यहाँ से निकल लो चारों, वरना अभी चारों को मारूंगा जल्दी भगो सीधा हो तू भी निकल और तू भी ठीक है किसी को बोलना ना पड़े। और तुम तीनों का शक्ल देख रहे हो फटाफट निकलने गंजे बहुत मारूंगा। तो गाइस जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हो कितना ज्यादा डरते हैं लोग इनके अगर मैं सामने आ जाऊँ, लेकिन पीछे से अटैक करने के लिए बोल दो भाई भागते हुए आ जाते हैं। फिलहाल एक बंदा उधर चला गया, 7-8 बंदे अपने उधर भाग गए। तो मैं अंदर की तरफ में भी 3-4 बंदे खड़े हैं, इनसे मैं नॉर्मली चल के बात करता हूँ कि आखिरकार इनका ऐसा कौन सा हेड है। जानते सब है लेकिन नॉर्मली लड़ाई कोई नहीं करता, पीछे से अटैक करते हैं लोग। एक सेकंड, हाँ भाई कौन है तुम्हारा मेन हेड, अभी इनसे बात करता हूँ। एक सेकंड थोड़ी तमीज से बात करनी है, ठीक है। तो भाई साहब यहाँ पर देख लो, मेरे को पता था इनके अंदर बेमतलब की अकड़ है। और यहाँ पर वो बंदे कुछ नहीं बोल रहे, ये लड़की ज्यादा फालतू बोल रहे हैं। ट्रेवर रेडी रही हो, लड़ाई हो सकती है, मेरे को लग रहा है। अच्छा सिगरेट निकाल रहा था बेटा, गन निकालता तो भी मैं मारता भी। निकले ये देख लो मार के भाग रही है। एक सेकंड रुक जाए, एक सेकंड, ऐसे थोड़ी निकल अब यहाँ से। और पीछे वाले बंदे, ओ भाई सारे भाग गए, पकड़ो इनको, पकड़ो भाई, सारे भाग गए भाई। इन सब पे गन है लेकिन फिर भी भाग रहे, रुक जाओ तुम्हारी ऐसी की तैसी, और तेरे को तो मैं भागने दूंगा। अब एक सेकंड, एक सेकंड, मेरा मुक्का दीवार में लगा, इसकी वजह से देसी कट्टा निकला, निकल यहाँ से। एक सेकंड भाई लोग भाग गए, और कहां निकल गए भाई कुछ नहीं मालूम। एक बंदा मेरे को इधर की तरफ में भागता हुआ दिख रहा है, इसको पकड़ना है, क्योंकि ये सारे के सारे भाग गए इस टाइम पर माइकल को देखकर। ये देखो कैसे भाग रहा है, रुक जा। चारों को मारूंगा, तेरे तो टांग पे गोली दूंगा, तेरे भाग कुछ ज्यादा तेज भाग रहा था नहीं। अभी ना इसको देखो भाई अब कहां जाएगा, रुक जा, मत्थे पे बजेगी वरना। तो गाइस ये जो बंदा है ना इस बंदे का इस टाइम पर ना मरने का बहुत ज्यादा मन है, एकदम आराम से प्यार से बोलना रुकने के लिए, लेकिन नहीं रुका, पैर पे गोली बजाऊंगा मैं। उठियो मत, वापस मत उठियो, मैं दोबारा मत्थे पे गोली मार दूंगा वरना। चलो भाई अभी फिलहाल एकदम शांत तरीके से लेट चुका, बहुत तेज गोली लगे मुझे मालूम है। और यहाँ पर बाहर की तरफ में और बंदे गए, एक सेकंड, और भी बंदे, मेरे को आवाज तो आ रही है, जो पीछे की तरफ में भागे थे ना हो सकता है वो ना आ जाए। तो ओके गाइस अभी ना फिलहाल मैंने इस बंदे को मार मार के काफी सारे सीक्रेट्स पता कर लिए लॉस गैंग के। तो गाइस ये कह रहा है कि जो लॉस गैंग है ना वो इतनी बड़ी गैंग है कि इसको खुद नहीं मालूम कि आखिरकार इस गैंग के अंदर कितने मेंबर्स हैं। और साथ में जो लॉस गैंग का हेड है वो रहता है लिबर्टी सिटी में, और ये कह रहा है कि ना हम लोग उसे कभी ढूंढ भी नहीं सकते, वो ऐसी जगह अंडरग्राउंड एरिया में रहता है। अब यार ये कह रहा है कि अगर उसको ये बात मालूम पड़ गई कि तुम लॉस गैंग को मारने आए हो तो 5 मिनट के अंदर तुम्हें खत्म करवा सकता है। तो देखो यार पहली बात तो मैं किसी का भी डर नहीं आ रहा। तो गाइस अभी ना मेरे पास एक बहुत ज्यादा जबरदस्त आइडिया है, लॉस गैंग के ना बहुत सारे अड्डे हैं। तो एक काम करता हूँ ना, यहाँ पर से इससे पूछता हूँ कि आखिरकार ऐसा कौन सा एरिया जहाँ पर लॉस गैंग के सबसे ज्यादा बंदे रहते हैं, वहां पर जाकर ना सारे लॉस गैंग के बंदों को मारेंगे। उठ बे तेरी ऐसी की, जल्दी उठ, ड्रामे मत करियो, जल्दी उठ वरना भी और मारूंगा। पिस्टल नहीं बाहर निकाली, और मारूंगा, जल्दी पिस्टल अंदर रख, अभी भी अकड़ के अंदर। भाई साहब तभी ये चोड़े होते हैं क्योंकि इनका जो लिबर्टी सिटी वाला मेन बॉस है ना उसका हमें कुछ पता नहीं है, वो कहाँ पर रहता है, कौन है, शक्ल वक्ल कुछ नहीं मालूम, और उसको आज तक किसी ने नहीं देखा, वो इतना ज्यादा अंडरग्राउंड है। तो मैंने जल्दी से मैं इसको लेकर जाने वाला हूँ सीधा उस एरिया में जहाँ पर लॉस गैंग के सबसे ज्यादा बंदे रहते हैं। तो चलो गाइस अभी ना फिलहाल